कई लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गया है। कई सारे लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बालों का देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप सर्दियों के मौसम में बालों की देखभाल नहीं करते हैं तो गर्मियों के मौसम में तो आपके बालों का सत्यानाश हो जाना है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दर्शन हेल्थ केयर। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं जिसे अगर आप दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपके बालों का झड़ना कम हो जाए। सर्दियों के मौसम में बालों में खुजली होना, डैंड्रफ होना, बालों का झड़ना और बालों का रफ दिखना आम बात है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हो सकता है कि सर्दियों के मौसम में आपका बाल झड़ना कम हो जाए। सर्दियों के मौसम में कई लोग बालों में वाइल अप्लाई करते हैं, लेकिन वो 24 घंटे तक अप्लाई करने के बाद छोड़ देते हैं। बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है। आप सर्दियों के मौसम में अगर बालों में वाइल अप्लाई कर रहे हैं तो हल्का गुनगुना वाइल अप्लाई करें। अब आप ये सोचेंगे कि गर्म पानी से तो बालों का नुकसान होता है, तो गर्म तेल से बालों के फायदे कैसे होंगे? गर्म तेल से भी बालों के नुकसान होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब बालों में अप्लाई करने के तरीके गलत हो। कई लोग ऐसे हैं कि बाल में गर्म तेल अप्लाई करते हैं तो पहले उसे बहुत ज़्यादा खौला लेते हैं और खौलाने के बाद अचानक गर्म तेल अप्लाई करते हैं। ऐसा अप्लाई नहीं करना है। जब भी आप अपने बालों में गुनगुना तेल को अप्लाई करें तो उसे सबसे पहले एक गर्म पानी में उस बॉयल को रख दें और हल्का तेल गर्म जब हो जाए तो उसे रूट में सही तरीके से अप्लाई करें। इससे आपका बाल झड़ना कम हो जाएगा, बालों में रूखापन जो होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा और बाल में डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा कि सर्दियों के मौसम में जब भी आप नहाने जाते हैं तो गर्म पानी से बाल धोना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपका जो रूट होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये गलती करते हैं कि सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से बाल धोते हैं तो आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपका बाल बिल्कुल रफ हो जाएगा, उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़े। तो जब आप गर्म पानी से बाल धो रहे हैं तो आज से ही बाल धोना बंद कर दीजिए। जब भी आप बाल धो रहे हैं तो नॉर्मल वाटर का यूज करें। नॉर्मल वाटर आपके बाल को मॉइस्चराइज करता है, अंदर के स्कल्प को जिंदा रखता है, जिससे कि आपके बाल झड़ने की समस्या जो है बहुत ज़्यादा हद तक कम होता है। दूसरा गलती, सर्दियों के मौसम में जब आप बाल धो के आते हैं तो अचानक किसी कपड़े से रफ करके पोंछना शुरू कर देते हैं, उसे झाड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बाल बेजान हो जाता है और टूटना शुरू हो जाता है। तो सर्दियों के मौसम में नहाने के बाद जब भी आप अपने बाल को पोछें तो किसी कॉटन कपड़े से पोछें और हल्के मुलायम हाथों से पोछें और पूरी तरह से जब बाल सूख जाए उसके बाद ही आप बाल को बांधें। सर्दियों के मौसम में बालों को खुला कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बालों को खुला रखते हैं तो उसमें ठंडी हवाएं जो पास करती हैं वो आपके स्कल्प को पूरी तरह से डैमेज कर देती है और बाल गिरना शुरू हो जाता है। तो सर्दियों के मौसम में आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अपने बालों को बांध के रखें। सबसे बड़ी बात कि बालों को कभी भी आप गीला ना बांधें, क्योंकि गीले बाल बहुत ही ज़्यादा बेजान होते हैं और जब भी आप उसमें कंघी करते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाता है। तो गीले बालों को कभी ना बांधें, उसे अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद ही बांधें। अब आप सोचेंगे कि बाल तो भाई सर्दियों के मौसम में हम धो लिए, लेकिन उसे सुखाए कैसे? सुखाने के लिए किसी भी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें या किसी भी हीटिंग चीज़ों का अपने सर के ऊपर अप्लाई ना करें। इससे भी आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप बालों को सुखाएं तो धूप में सुखाएं और झटकार के ना पोछे, हल्के हाथों से पोछे, ताकि आपके बाल में ड्राइनेस ना हो, रफ ना हो, झटकार के कारण वो टूटना ना शुरू हो जाए और उसके बाद आप बालों को बांध के रखें। सबसे बड़ी बात, एक अहम जानकारी मैं जाते जाते आपको देना चाहूँगी कि बालों में आप मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो आप मेथी के पानी का यूज करें। जब भी आपको मेथी का पानी यूज करना हो तो उसके 2 या 3 घंटे पहले मेथी के दानों को भिगो दे और भिगोने के बाद जो उसके पानी है उसे अच्छे से कॉटन की मदद से अपने बाल के रूट में अप्लाई कर लें। 25 या 30 मिनट के बाद आप उसे अपने शैम्पू से वॉश कर लें। आप जो भी शैम्पू यूज कर रहे हैं उसे ही यूज करें। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि केमिकल वाली या फिर हार्ड प्रोडक्ट की शैम्पू ना यूज करें। अगर आपको मेरी ये अहम जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल के माध्यम से मीडिया दर्शन हेल्थ केयर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हमारा कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फेसबुक पेज के माध्यम से अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।